हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के कोरल ड्रा के इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा नया एयरटेल का लोगो हम इससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स पे बताया था कि आपको पुराना एयरटेल का जो हमारा लोगो था हम कैसे क्रिएट कर सकते थे। आज हम सीखेंगे ये जो हमारा नया एयरटेल का लोगो है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ऐसा लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या करना है, सबसे पहले हमें ओपन करना है कोरेल ड्रा। हमने ये सर्च किया कोरेल 12। अगर आपके पास कोरेल का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्रिया, हमने इंटर किया, यहाँ पे हमारा कर रहा सॉफ्टवेयर प्रोसेस और हो गया ओपन। उसके बाद क्या करना, हमें न्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद हम जाएंगे व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद ये जो बॉर्डर्स है, हम बॉर्डर्स को पेज की हटा देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा लोगो ऐसा बना है, कोई हमारा फॉर्मेट तो होता नहीं कोरल पे एयरटेल का लोगो के टाइप का, है ना। चलिए हम ये फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ करनी है, एक इलिप्स केवल ड्रॉ करनी है। हमने क्या किया, एक इलिप्स यहाँ पे कर लिया ड्रॉ, ये हमारी इलिप्स आ गई। क्या किया हमने, पिक टूल पे किया क्लिक। उसके बाद क्या करना, हमें इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, हमने कर दिया इसका साइज इंक्रीज। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा होता है शेप टूल। अब ये आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ये हमारा और बाकी के कोई पॉइंट हमें नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इस कंडीशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले इसे करना कन्वर्ट टू कर्व। अब हम कन्वर्ट टू कर्व कैसे करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करने का एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, ये दिया है कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ क्यू, या हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें कन्वर्ट टू कर्व का, हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। उसके बाद हम सेव टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट ये हमारा, दूसरा ये पॉइंट है, और तीसरा ये है हमारा, चौथा पॉइंट ये है, चार पॉइंट आपके पास। तो क्या करना है, ये नीचे वाले बॉटम के पॉइंट को पकड़ना, हमें इसको ऊपर की ओर ले जाना है। आप देख सकते हैं हम ऊपर की ओर ले गए। भाई थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ये लोगो बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, और बाकी लोगों से जो हमारे बाकी के लोगो थे वो थोड़े हमारे ज्यादा सरल थे, लेकिन ये थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, जब हमारा ये लोगो सेम उसी तरह का क्रिएट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट, हमें क्या करना है, इसको उसी का आकार दे देना है, ये हमने कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा सेम आकार ले लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, हमें नहीं करना, हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस पॉइंट को हमें अंदर की ओर लाना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हम अंदर की ओर ला चुके हैं एक पॉइंट, क्या करना है, इस पॉइंट पे भी क्लिक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम अंदर की ओर ले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो हमारा कुछ इस प्रकार का बन गया है। क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया अच्छे से बनाएंगे, ये लीजिए। क्या करना है, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, अब हमारा सेम फॉर्मेट ले चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस साइड लाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट इस तरह का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे इनक्रीज करेंगे, इसको हम सेप देंगे उसका, ये हमने यहाँ से दे दिया इसको सेप। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सेम लोगो वैसे ही क्रिएट हो रहा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद हमें करना क्या, ये जो हमारी लाइन है इस पे हमें डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद क्या करना, हमें इसको अंदर की ओर थोड़ा सा लिए जाना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करेंगे बीच पे। आप इसे ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप इस लोगो को क्रिएट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा बन गया था, हमने कर दिया बैक। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, चलिए हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम डबल क्लिक करेंगे और उसको हम अंदर की ओर लिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा हमारा फॉर्मेट बन गया है, कोई बात नहीं, अभी हम बना रहे हैं कैसा जैसा हमें चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे अंदर की ओर और ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना, ये जो पॉइंट है इससे हमें बाहर की ओर लेके आना है इसको, इसको क्या करेंगे, हम इसको हम और अंदर की ओर ले जाएंगे। चलिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा सेम फॉर्मेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना, हमें इसको बाहर की ओर ले आना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बाहर की ओर इसे कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम उसका शेप उसे दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम इसे और थोड़ा सा बाहर की ओर कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे भी हम उसी का आकार सिंपल सा दे देंगे। ये क्या ओपन हो रहा भाइयों, चलिए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या करना हमें, डबल क्लिक करने के बाद क्या करना हमें, यहाँ से हम इसका भी फॉर्मेट इसको देंगे सेम जैसा बना होता है लोगो। चलिए हम यहाँ से कर रहे हैं बैक थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना, डबल क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा हमें इसको अंदर की ओर ले जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ऐसा सेम फॉर्मेट क्रिएट कर दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी हमारा ये अच्छा नहीं बना। क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको और अंदर की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अंदर की ओर इसे कर दिया। अगर आपका ऐसा नहीं बन रहा तो आप मेहनत जरूर करिए, आपका बनेगा लोगो, बिल्कुल सेम लोगो भी बनेगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा बाहर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बाहर की ओर इसे कर दिया। यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ये शेप ले रहा है वैसे ही सेम। उसके बाद यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि हल्का सा ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप में है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके बाद ये आपका देख रहे हैं कि आप ये ज़्यादा बाहर की ओर है। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम अंदर की ओर ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम डबल क्लिक कर देंगे, वैसा सेम फॉर्मेट ये ले लेगा। क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा बाहर की ओर ले जाएंगे। चलिए जा नहीं रहा बाहर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा बाहर की ओर जा चुका है। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट पे भी कर देना है हल्का सा। क्या करना है, इसको हमें बाहर की ओर ले जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा सेम लोगो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको और बाहर की ओर लेना है। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक से हमारा आ सकता है, नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा लोगो हमारा क्रिएट हो गया। चलिए फिर से, अभी थोड़ा सा ये गड़बड़ है, अभी हम इसे थोड़ा सा और सही करते हैं। ये यहाँ से क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा लोगो हमारा सेम क्रिएट हो रहा है। अगर आपका ये अंदर अभी करना है तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसे और अंदर की ओर ले आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो सेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो बन के क्रिएट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। थोड़ा सा भी जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं हम क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। करते हैं इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है थोड़ा सा और इसे अंदर की ओर लेना है। ये थोड़ा सा हम इसे और नीचे की ओर सेट करेंगे जैसा कि हमारा लोगो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा लोगो सेम क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लोगो सेम लगभग हो चुके हैं। क्या करना है, इस पे हमें कलर करना है। कलर करने के लिए कलर कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। ये किसका लोगो हमने बना दिया, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा मेहनती लोगो है ये हमारा। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपसे ये जरूर बनेगा।
चलिए हमने एयरटेल का लोगो बनाया, हम यहाँ पे लिखते हैं हमने किसका लोगो क्रिएट कर दिया, ये हमने लिख दिया एयरटेल। उसके बाद क्या करेंगे, इसके फॉन्ट साइज को करेंगे इंक्रीज, ये हमने कर दिया इंक्रीज। उसके बाद क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली करेंगे चेंज, फॉन्ट फैमिली हो चुकी हमारी चेंज। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे सेट कर देंगे और इसका कलर कर देंगे वाइट ऑरेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा हमारा लोगो हो चुका है क्रिएट। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना, आई होप आपको ये भी लोगो बनाना आ गया होगा बड़े ही आसान तरीके से। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना और हमें कमेंट बॉक्स बनाना बताना कि आपसे ये लोगो बना या नहीं। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक लिए बाय।